हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको 5 कहावतें बताने चाह रहे हैं जो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है। यदि आपने इन 5 कहावतों को समझ लिया और फॉलो कर लिया तो आपके घर में कोई वास्तु दोष होगा ही नहीं। हमारे बुजुर्गों और पुराने लोगों ने वास्तुशास्त्र को समझकर उसकी खास बातों को कहावतों में समझाया है। भारत में प्राचीन काल से धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यहां धर्म को केंद्र में रखकर ही लोग हर काम करते हैं। हमारे बुजुर्ग आज भी कई काम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करते हैं। वास्तुशास्त्र भी धर्म का ही एक भाग है। उन कहावतों को समझकर आप भी अपने घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। और इन कहावतों में घर की बनावट, दरवाजों की ऊंचाई, घर के आसपास के पेड़ पौधे और घर में रहने वाले लोगों की आदतों के बारे में बताया गया है। तो हर कहावत को आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। हमारे बुजुर्ग लोग तो पहले से वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, तभी तो उन्हें सुखी जीवन के कई राज पता थे। भारत में प्राचीन काल से कहावतों के माध्यम से गांव में लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का काम करते थे। तो चलिए हम पहला कहावत बोलते हैं, जाके पूरब पीपल होवे सो लक्ष्मी पर लक्ष्मी खोवे। जाके पूरब पीपल होवे सो लक्ष्मी पर लक्ष्मी खोवे, मतलब जिस घर के पूरब में पीपल होता है उस घर में रहने वाले को लगातार आर्थिक हानि होती है। ऐसे घर में पैसा नहीं टिकता है। बुजुर्गों द्वारा बोली जाने वाली इस कहावत का मतलब बहुत साफ है और मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे। तो ऐसे घर में कभी पैसा नहीं टिकता है, लगातार आर्थिक हानि होती है। अभी दूसरा कहावत है, जही मुंडे पर अशोक वृक्ष वासा, जही मुंडे पर अशोक वृक्ष वासा शोक राहत हुई भवत सुवासा। इस कहावत का मतलब होता है कि जिस भूमि पर अशोक का पेड़ होता है उस जगह बना हुआ घर बहुत ही शुभ होता है। ऐसे घर में जो भी लोग रहते हैं उन्हें खुशियां मिलती है। अशोक के पेड़ से वास्तु दोष खत्म होते हैं। उसके बाद एक कहावत है, सिंहमुखी जो रहने जावे तन धन आपन सकल गवावे। मतलब सिंहमुखी जो रहने जावे तन धन आपन सकल गवावे। आगे से चौड़ी और पीछे की ओर से संकरी, यानी कि सिंहमुखी भवन में रहने वाले लोगों को सेहत संबंधी समस्याएं बनी रहती है। किसी न किसी तरह की बीमारी होने के साथ ही लगातार खर्चा बना रहता है। तो आगे से चौड़ी और पीछे से पतले घर, यानी कि सिंहमुखी घर इसको कहते हैं, तो उनको हमेशा सेहत संबंधी परेशानी होती है। अब एक और तीसरा कहावत है, छोटे दरवाजों मोटी चोर बहु आतो आफत घोर। छोटे दरवाजों मोटी चोर बहु आओ तो आफत घोर। जिस घर का मुख्य दरवाजा छोटा होता है उस घर में चोरी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जिस घर का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा होता है उस घर में कई परेशानी आती है। इसलिए घर का मुख्य दरवाजा मध्यम आकार का होना चाहिए, न बड़ा न छोटा। तो मेन गेट बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और मेन गेट बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब पांचवा कहावत हम बताने जा रहे हैं आपको, जो आखिरी कहावत है, गज जेही हारे झुंड उठावे सकल शगुन अस बात चेतावे। गज जेही हारे झुंड उठावे सकल शगुन अस बात चेतावे। जो पहले घर देव खिंचावे वही घर को बही देव रखा है।
जो पहले घर देव खिंचावे वही घर को वही देव रखावे। मतलब बुजुर्गों की इस कहावत का मतलब कि जिस घर से पहले वास्तु देवता को नवेद लगाया जाता हो और बाद में उस घर के लोग भोजन करते हो, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को अपने जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिलती है, तो तरक्की बहुत जल्दी मिलती है ऐसे घरों में। तो ये मैंने आपको 5 कहावतें बताई। यदि आप इतना ही फॉलो कर लो तो आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो निश्चित तौर पे वो वास्तु दोष 100% खत्म हो जाएगा। या आप कहीं घर लेने जा रहे हो तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, तो निश्चित तौर पे आपका जो जीवन है वो सुखी संपन्न रहेगा। आप जिंदगी में तरक्की करोगे, आर्थिक परेशानियां नहीं होगी। तो चलिए, मैंने आपको 5 कहावतें बता दी। अब आप इसमें से कितना फॉलो करते हैं ये बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।